हमारी एक टीम जिलाधिकारी के आवाज़ पर उनके गोपनीय प्रशाखा में पुनः एक बार आवेदन देकर मांग किया है कि अस्पताल के ज़मीन पर भाजपा के नेता मनोज गुप्ता के द्वारा बाउंड्री को दक्षिण पश्चिम स्थित बाउंड्री को तोड़कर ईंट का पिलर, सड़क निर्माण, खलाई कार्य करा लिया गया है। कुछ और ज़मीन पर बांस बल्ला निर्माण सामग्री रखकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में हमने जिलाधिकारी को आवेदन दिया है कि जिलाधिकारी के देखरेख में, चूंकि अन्य अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, इसमें सिविल सर्जन की भी भूमिका संदिग्ध है, कई अन्य कर्मी अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में संगठन ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि जिलाधिकारी अपने देखरेख में सदर अस्पताल की ज़मीन की मापी कराए और ज़मीन मापी के बाद जो अतिक्रमण किए हैं उनसे ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ज़रूरत हो तो भाजपा नेता मनोज गुप्ता, जो चार भाई हैं उनको 9 कट्ठा ज़मीन है, उनकी ज़मीन की भी मापी कराई जा सकती है और कुल 4 एकड़ 71 डिसमल पर केसरे हिंद नेचर के ज़मीन पर खेसरा संख्या 17-18 पर फैले सदर अस्पताल के ज़मीन को पूरा किया जाए। इस संबंध में संगठन ने निर्णय किया है, जिलावासी से हम अपील कर रहे हैं कि 27 जुलाई को सरकारी बस स्टैंड से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। जिले के प्रबुद्ध लोग इसमें भाग लें और आंदोलन को सफल बनावे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जिला स्थायी समिति सदस्य सह ISI 9 जिला प्रभारी समस्तीपुर।